और लौंडो, क्या हाल है भाइयों के? सुस्वागत है लौंडो एक और नए फेस टू फेस वीडियो में। एंड भाई आज हम खेलने वाले हैं फेस टू फेस ये रिफ़ेफ़न कार से। सो भाई आज होने वाला है मौत का खेल, एंड इस मौत के खेल में भाई मेरी जान जा सकती है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अबे हट जा भाई ये चिमकांड बताए सामने से हटते नहीं। और देखो भाई इतना भसड़ मचा दिया ना स्टार्टिंग, भाई पता नहीं अपने आप ही ठोकरे हैं। मतलब सीधे बस चलना है लेकिन उसमें भी ठोकरे हैं भाई, बताओ ऐसे चिमकांड लोग हैं भाई। और बताओ ये पापा प्लेयर को फिर ऐसे जागे आगे जाने नहीं देते हैं, तो भाई हमारा पता है परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। और ये भैंस की आंख वाली ट्रक मिलने वाली है शायद। अब मज़ा आएगा ना बीड़ू, अब इनका गेम बजाते हैं। अब इससे कोई पंगा नहीं लेगा भाई, देखना अब इसका गेम बजाते हैं। अब तू गया बेटा। लेकिन अपना खुद का मोई कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है भाई ये इसको? अरे भैंस की आंख, अबे हमने पूरा टनल पार कर लिया अभी तक कोई ठुका नहीं, ऐसे कैसे भाई? कोई तो अबे ठुक जाओ भाई। ये देखो ये नाक वाले आके भाई खुद ही अपने मतलब खुद ही में ठोक रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊं भाई, क्या ही नल्ले मतलब नाक, ये नाक वाली ट्रक वाले हैं मतलब ठोक भी नहीं पा रहे एक दूसरे को। चलो भाई अब क्या मिलने वाला है? अरे भैंस की आंख, अब देखते हैं क्या। अरे ये तो कार मिलने वाली है, तो बात। और ये शायद भाई साहब रेसिंग कार है, नहीं रेसिंग कार तो निकल जाएगी, बस ये कि ये ट्रक नाक वाली ट्रक। अरे भैंस यार इतनी भाई कितनी नाक वाली ट्रक, भाई साहब फट गए हम तो भाई। इतनी नाक वाली ट्रक थी निकलने के कोई चांसेस ही नहीं थे, मतलब तुम निकल ही नहीं सकते थे, ऐसे वाला सीन था। चलो अरे भाई ये नाक वाले ट्रक नल्ले बताए पता नहीं कहाँ से आ जा रहे, दिख ही नहीं रहा है भाई। एक हो दो भाई आते जा रहे। चलो भाई चलो अब सुमड़ी में निकलते हैं जल्दी। साले धूम फोर की ये वैसे हो गई भाई, एक मूवी का सीन हो गया। एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है, कार वाला इधर से आया, दोनों टर्न लेते लेते ठुक गए। अरे भाई ये देखो नल्ला भाई अपने में ठोक रहा है। बादरचोद चल भाई चल अभी एक नाक, अबे भैंस की आंख ये वो ये भाई छाती के ऊपर से लेके चला गया। मतलब भाई मैंने इसको कहा कि छाती के ऊपर से लेके चला जा, ये तो भाई ये ठोका फिर नल्ला ठोका मेरे को। एक तो भाई एक बार ठोक रहा हूँ तो रेनबो बन जा रहा है अपना, पूरा दीवार से चिपक जा रहा भाई। ये क्या भाई पैकेट इज इक्वल टू पुड़िया, ये क्या भाई इसमें भी पुड़िया बेच रहा है क्या इसमें भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं। अरे भैंस क्या रुको भाई, पुलिस कार मिलने वाली है सालो, सबका केस रजिस्टर कर लेंगे, सबको जेल में बंद कर देंगे और फिर भाई हम सुमड़ी में ऐसे कर लेंगे पूरा पार्क फेस टू फेस। भैंस क्या रुक जा, अब इसको भाई ये नल्ले को देखो, ये नल्ला मेरे में ही ठोक रहा है। मतलब पुलिस वाला कार हो के भाई पुलिस वाले को ही ठोक रहे हैं, बताओ क्या ही करें हम इसके। ये नल्ले भाई आ जाते हैं नल्ली छपरे पर इस घर भाई खेलने अपने साथ, और इन्हें खेलने आता नहीं है। और भैंस क्या कि खुद के कार ये देखो भाई, मतलब एक कार में कैसे मोहिमय हो रहा है ये, जबकि ट्रक सोचो लंबी होती तब मोहिमय समझ में आता है। मतलब एक कार में तुम्हारा कैसे मोहिमय हो रहा है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई ये बग्गी मिलने वाली है, अब इनका बग्गी से हम घोड़ा बनाएंगे और घोड़ा बना के इनको कुत्ता बना देंगे भाई पूरे फेस टू फेस में। अब देख अब इस सबको दूध पीने के भेजते हैं पुलिस वाले कार। भाई हम पुलिस से भी ना डरते हैं, देखना पुलिस वाले को ठोक दे ये जब, अरे वो तो पहले से फटा हुआ था भाई, पुलिस की कार में ही आग लगा दी ये, तू भी जा भाई। ये दूध जो दूध पी के नहीं आते ना भाई, मेरे को गुस्सा और आता है देख के उनको। अरे तू भी जा दूध पी के आ, भैंस की आंख अरे तू भी जा, और ये तो अपनी बिरादरी का भाई, इसके पास भी बग्गी, अरे तू भी जा भाई। वो चेक पॉइंट से जस्ट पास आया था उसको उड़ा दिया भाई। चलो अरे फायर ट्रक आओ गाइस, अब हमें आग बुझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो ये अंदर जितने जिस ये भाई नल्ले, मतलब भाई इतने नल्ले आदमी है भैंस की आंख मेरे अपने में ही ठोक। गाइज मेरे से मत पूछो, मैं अभी डिस्प्रेशन में चल रहा भाई। ये भैंस क्या ये ठोक कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बग्गी वाला समझ में आता है कि ठोक रहा है चलो ठीक है, मतलब ये फायर ट्रक वाले एक में कैसे बैठ रहे हैं मेरे को सीख नहीं समझ में आ रहा है। और ये क्या ही नल्ली पुलिस है भाई, एक बंदे को भी नहीं पकड़ पा रही है, क्या ही बताए। और ये भैंस क्या इसका मोहिमोई कर दिया यार, दो पुलिस कार का मोहिमोई। अरे ये पंगा लिया अपने से भाई साहब, साले को बम से ना उड़ा दिया ना अगली बार, मेरे को मिलने दे बस भाई, मेरे को मिलने दे बस एक कोई अच्छी कार या ट्रक, बग्गी या नाक वाली ट्रक। भैंस के आँख फिर मैं बता रहा तेरे को, इसके भाई मैं अमा बहन पे नहीं आ गया ना तो देख लियो। और ये भैंस के आँख लीमो मिलने वाली है, ये भाई साहब ये इतना चिरांत पुलिस वाला है, मेरे को बग्गी वाले पे धक्का दे के खुद निकल गया सुमड़ी में और भाई खुद भी पलट। अबे जा लीमो साले, अबे मैं तो लीमो लेके नहीं भाग पा रहा है, क्या ही अमीर भाई ये नली छपरी पर लीमो ले लेते हैं कि अमीर लोग कोठी बंगली वालों को लगे कि ये लीमो चला सकते हैं, लेकिन भाई ये लीमो चला नहीं सकते। देखो ये नल्ले, ये देखो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं भाई, अरे रुक जा भैंस क्या, मेरे को दिखाना है कि लीमो के लेके कैसे निकलते हैं। ये भाई नल्ले बताए खुद भी ठोक रहे मेरे को भी ठोक रहे, देखो
मतलब मैं निकल सकता था भाई, लेकिन वो सामने ऑरेंज वाला था ना, उसकी वजह से मैं भाई ठुका। और भैंस क्या भाई ने सीधा किया भाई, भाई ने मदद किया है, भाई को मेरा फुल सपोर्ट है। भाई को भाई यहाँ से लेके उस आगे अबे लेकिन निकल ले तो तब तो सपोर्ट करेंगे। इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस नल्ले की वजह से मैं भाई उधर पीछे फंसा हुआ था, नहीं तो भैंस क्या मेरी लिमो बिना टूटे आगे निकल जाती। चलो चलो अभी भी निकल सकते हैं गाइस, हमें पोजीशन भी मेंटेन। अरे पोजीशन चाहे भाड़ में भाई, अपन को बस मजा करना है। अगर भाई ऊपर आ गए तो ठीक, वरना भाई राम राम सारे ने। अबे जा भाई नल्ला भाई, ये क्या ही बताऊं मैं। निकलते सुमड़ी में भाई, जी जितने मोए में हो रहे ट्रक वालों के, हम सुमड़ी में निकलते हैं। उससे ठोकने भाई फायर ट्रक होके अपने में ठोकने आ रहा था। मतलब भाई फायर ट्रक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को बचाए, और ये भैंस की आँख अब लोगों को रुलाने पर लगा हुआ है। और ये अब क्या मिलने वाली है भाई, फिर से बग्गी मिल जाए मज़ा ही आ जाए। लेकिन मेरे को लग रहा है कोई कार और मिलने वाली है शायद, तो देखते हैं कौन सी कार मिल रही है ये। अरे भाई साहब बग्गी कब से कार में आने लगी मैं। मतलब ये बताओ तुम, बग्गी कब से कार, अब रुलाएंगे ना भाई। अब देख मैं भाई बहुत दिन से इनका गेम बजाने का सोच रहा था। अरे जा साले तू आएगा मेरे पंगा लेगा, तू भी जा दूध पी क्या साले। और कौन आएगा मेरे सामने? ओ भाई ये ट्रक वो मिलने वाली है, मॉन्स्टर बाइक भाई, इसमें तो मोए में होगा भाई, इतना रुलाएंगे बनते, इतना रुलाएंगे उसमें। ओ भैंस की आँख भाई, चलो भाई जितना पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं इसी वाले में करेंगे। क्योंकि भाई वो मॉन्स्टर बाइक मिल गई ना, तो फिर भाई तो अब तो रोना ही है बस। और भाई मिल चुकी है, अब रोना है बस। सुमड़ी में निकल सकते हैं तो निकल गए, वरना भाई भूल जाओ, राम राम कर दो सबको। जितने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हो भाई मिल लो, क्योंकि अब ना मिल सकते तुम। ये भाई मैं क्या ही बताऊँ, ये नल्लों का भाई लीमो लेके भैंस की आँख ठोक रहे हैं, मतलब लीमो लेके नहीं निकल पा रहा। अब गया मैं, गाइस मेरे से मत पूछो गाइस, मैं अभी डिस्प्रेशन में चल रहा, और मेरे पास है मॉन्स्टर बाइक, तो मेरे से भाई नल्ला कुछ नहीं होने वाला भाई। अब देखो मेरे को बस किसी तरह निकलना है, लेके निकल लूँ इसको, फिर भाई आगे कोई भी कार दे दो बाइक दे दो चल जाएगा, बस ये निकल जाए। और भाई सीन एक ये फसर है ना कि सामने किसी के पास बग्गी है, जैसे ये नल्ला आया ये अभी लैंड कर जाए 100-200 लेके। ओह भैंस की आँख भाई, परफेक्ट लैंडिंग भाई, क्या ही लैंड किया हमने। ओके निकलते भाई, फिर ठोकने आ रहा था ये आया ठोक। भाई साहब मैं चेक पॉइंट पे पहुंच गया था, पता नहीं क्या चूल मची इनके, क्या कीड़ा रहता है कि भैंस की आँख मारना है। अबे इसको मॉन्स्टर बाइक को तो जाने दो, मॉन्स्टर बाइक में तो मौत हो सकती है इसको। भाई ये देखो भाई, मॉन्स्टर बाइक को नहीं जाने देते, मतलब मैं भाई हर एक को जाने देता हूँ, अगर मॉन्स्टर बाइक के नैनो हुई तो मैं जाने देता हूँ, लेकिन भाई ये नल्ले छपरे पुरस्कार बाइक बग्गी ले लेते हैं और भाई कंपटीशन करते हैं मॉन्स्टर बाइक से। मतलब तुम कैसे ही कंपटीशन कर सकते हो भाई। चल भाई चल इस बार भाई निकल जाना है भाई, इस बार तेरा भाई ऐसे बाइक लहराएगा ना, ऐसे बाइक लहराएगा। अरे भैंस भाई मैं बाइक लहरा रहा था, वो भैंस की आँख को पीछे से आया और मेरे को ठोक दिया। मतलब भाई मेरी पता नहीं उससे क्या दुश्मनी थी, मैंने भाई उसका पैसा लेके भाग गया था, उसकी बीवी लेके भाग गया था भाई, पता नहीं क्या समझ में आया उसने आके ठोक दिया पीछे से। चल भाई इस बार तेरा ये बग्गी वाले को मैं जहाँ देख लेता ना भाई, मेरे को गुस्सा और आती है। भैंस की आँख मतलब कहीं से भी साले आते हैं और भैंस की आँख ठोक देंगे मौत। मतलब बताओ भाई मॉन्स्टर बाइक को क्यों ही ठोकना है भाई, आराम से निकल जाओ शांति से। चल भाई चल निकलते भाई, ये बग्गी वाला फिर आया मेरे को भाई, ये बग्गी वाले को मैं जहाँ देखता हूँ ना भाई, मेरे को गुस्सा बहुत आएगी, क्या ही बताऊँ मैं। रुको रुको निकलता हूँ गाइस, अब मैं चेक पॉइंट के पास बस जस्ट पहुँच ही रहा हूँ, बस ऐसा है कि मेरे को चेक पॉइंट को बस चुम्मी देना है बस। तो चलो गाइस हम चेक पॉइंट, अरे भैंस क्या कि यहाँ से तो कोई नहीं गिरा सकता। चलो भाई चेक पॉइंट, अब मिली ना भाई बग्गी, अब मिली काम की। अब देख भाई अब मैं सबका गेम बजा दे रहा हूँ, तू जा सारे। वो भैंस की आँख बता, मेरे से पंगा लेने आ रहा था, मतलब बग्गी मैन से पंगा आ रहा ले रहे, मतलब बग्गी है तो मतलब कुत्ता बना दूंगा भाई उसको, भाई डर ही नहीं है। मतलब ये भैंस की आँख, मतलब भाई नाक वाली ट्रक से अपना कैसे मोह में हो गया मेरे से, मेरे से मत पूछो गाइस, मेरे से मत पूछो, मैं अभी डिस्प्रेशन में चल रहा गाइस। अरे भैंस क्यों ये जा, अरे भाई साहब ये तो एक उस पर दो टायर पर व्हील ही मार रहे थे हम। अरे भैंस की आँख मजा आया। चल भाई चल, अभी कौन भाई मॉन्स्टर ट्रक अपनी यही मॉन्स्टर बाइक यही बीच में लगा के भाग गया था। अरे जा, अरे भैंस भाई साहब नाक वाली ट्रक ने क्या ही मारा है भाई अपने को। भैंस क्या मतलब नाक वाली ट्रक, ये देखो भाई ये आया, ये इसने भाई वो मॉन्स्टर बाइक वाले ने कहा आ बैल मुझे मार। मतलब भाई ये नहीं कि राइट से निकल जाए, वो भाई अपने ऊपर से जाने की सोच रहा था। अब भाई मिली अपने को F1 कार भाई मोह में होती है भाई, इसको इतना ठोकेंगे ना क्योंकि सबके पास या तो ट्रक, ये देखो स्टार्टिंग में ही भाई अपने लग गए, अपने बैगन लग गए। चल भाई चल चल निकल जा सुमड़ी में भाई, क्योंकि बग्गी मिलने वाली और नाक वाली ट्रक आने वाली है किसी के पास। ये भाई ये पुलिस वाले इतने आरामी, भैंस क्या अपने को ठोक रहे हैं भाई, देख रहे हो
मतलब मेरे को भाई इनके पे इतना केस ठोका था मैंने, जब मेरे पास बग वो थी पुलिस वाली कार थी, अब उसका बदला ले रहे हैं गाइस ये, अब खुद पुलिस बन के। चलो भाई चलो चलो अपन सुमड़ी में निकल जाते हैं जल्दी और भाई चेक पॉइंट ले लेते हैं। ये भाई साहब, ओ भाई ये तो फ्लाइंग, ये तो गजब भाई चेक पॉइंट लिया है, उड़ते उड़ते चेक पॉइंट लिया है भाई साहब, क्या ही मतलब मजा आ गया गाइस, मजा आया। चल भाई चल, अबे इससे फायर ट्रक से तो कोई पंगा लेगा नहीं भाई, फायर ट्रक के आगे कोई बोल सकता है क्या, जब तक कि आगे उसके पास नाक वाला ना हो और ना तो बग्गी हो तब तक कोई नहीं बोल सकता भाई। तो चलो निकलते। अरे ये नल्ले भाई पुलिस की कार लेके भी ठोक रहे, मतलब पता नहीं कैसे कैसे ठोक सकते हो गाइस, पुलिस की कार कैसे ठोक सकते हो। ये भाई अभी भी मॉन्स्टर ट्रक बाइक पे फंसा हुआ है भाई, ये सब तो बहुत रोने वाले हैं भाई। अबे मैं जब इतनी आगे चल रहा तो मैं 18 पे हूँ और ये भाई मॉन्स्टर ट्रक लेके भाई बाइक पे, मैंने कब की कंप्लीट की थी, ये तो कितने पीछे होंगे भाई ये तो फिर। ओ भाई साहब इनसे अभी पूछेंगा नहीं भाई, ये अभी डिस्प्रेशन में चल रहे होंगे। ये नल्ला भाई बग्गी वाला आया भैंस क्या, अपने को ठोक के भाग गया, मतलब अब ये देखो भाई हम उल्टे पड़े हुए हैं। ये कौन सा योगा कर रहे हैं अब समझ नहीं आ रहा है गाइस, लेकिन कुछ तो योगा किया हमने, देख रहे हो गाइस हमारे पास टैलेंट है, हम चलती फेस टू फेस में भी हम योगा कर लेते हैं। और ये देखो ये, अरे एक के ऊपर एक, अरे भैंस क्या ये क्या कर रहा है, अरे अरे भाई साहब ये नया वाला योगा है। भाई उसने भाई दम तोड़ के ये रिस्पॉन ले लिया भाई, हम रिस्पॉन नहीं लेते, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से टेढ़ी हुई है भाई। अबे ये छोटे मोटे बच्चे भाई रिस्पॉन करते हैं, अपन भाई वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से भाई, तुम नाक वाली ट्रक लेके रिस्पॉन कर रहे हो ना तो चूतिया हो तुम भाई। चल भाई चल जा भाई सीधी हो जा। हाँ भाई या अबे भाई भाई जब मैं सीधा हो रहा मेरे को कोई ना कोई आ रहा है और ठोक दे रहा है, मतलब ये देखो भाई मैं सीधा हुआ ही था मेरे को आया ठोक दिया, अब देखो मैं फिर से सीधा हुआ, अब ये नाक वाला ये बग्गी ठोकेगा मेरे, क्या ही बताऊँ भाई, चुनौतियाँ तो मैं एक बार पार कर दूँ लेकिन ये चूतियाँ भाई क्या ही बताऊँ मैं, ये मिल जाते हैं भाई कहीं किनारे कोपचे में तुम्हें ऐसे मिलते रहेंगे। तो अब अरे फिर से कार मिलने वाली है, कौन सी कार है, अरे पुलिस कार। अब देखो अब भाई सब पे केस कर दूंगा देखना भाई, अब मिली है पुलिस कार सबको भाई, हम बालम थानेदार बन जाएंगे और हमारी जिप्सी चली रही है। और ये भैंस क्या भाई मज़ा आ गया भाई, ये लेकिन मॉन्स्टर बाइक वाले को ठोकने में जो मज़ा आता है ना भाई, ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। भाई क्या ही मज़ा आता है जब गिरते हैं, लेकिन भाई जब खुद के पास होती है तब रोना आ जाता है, मतलब भाई इतने बार मारते ना, क्योंकि एक बंदा मारे चलो ठीक है भाई, और तुम्हारे आगे जितने भी होंगे सब मारते रहेंगे तुम्हें, सब मारेंगे तो भाई 11 12 13 14 बार ऐसे होता है कि मौत हो सकती है तुम्हारी। इस मौत के खेल में चल भाई चल, मैं भाई इतने मेहनत से सीधा हो रहा हूँ फिर मेरे को कोई आके ठोक देगा देखना देखना, मतलब कोई ना कोई चूतिया होगा जो आएगा कहेगा नहीं भाई ये कैसे सीधा कर रहा है, इसको तो ठोकना एक बार बनता ही है। चलो भैंस क्या किसको ठोक दे, ये लीमो वाले ने भाई अपना नींबू पानी बना दिया, क्या ही बताऊं मैं। चलो चलो निकल जा निकल जा। ये भैंस अबे वो सामने से पुलिस कार कहाँ लेके आ रहा है भाई, ये भाई क्या ही बताई, ये नल्ले भाई मतलब ऐसा है कि ठोकना है ही इनको, ऐसा नहीं कि साइड से निकल जाए, मतलब साइड से निकलने वाला कॉन्सेप्ट इनके बुक में है ही नहीं, ये उस वो बुक को भाई बंक कर दिया था वाली क्लास जिसमें पढ़ाया गया था, ये भाई ठोकने वाली क्लास में थे। कि भाई सामने से और ठोक लो बस, चल जा चल जा। अबे ये तो मैं ही ठोका था वैसे। अबे फिर से कार मिलने वाली है, कौन सी F1 की क्या मिलेगी, अरे ये तो निकल जाएगी, ये भी बताएं पुलिस वाली कार की तरह। अबे सोचो मैं 18 पे चल रहा था 21 पे हो गया भाई, पुलिस वाले से मैंने इतने केस लिखे कि भाई साहब हमको ठोकना ही स्टार्ट कर दिए, अब भाई मारेंगे, अब अपने को ये वाली कार मिली है तो भाई पुलिस की कार की तरह मोहिमे हो गए अपने। चल जा भाई। ओ भाई साहब भाई लेकिन बग्गी जो मारती है ना, बग्गी जो मार के एक बार नीचे गिरेगी, एक की तो कार ही फट गई पीछे। ओ भाई साहब ये भाई अभी भी मॉन्स्टर बाइक मेरे को लग रहा है फिर से मिलने वाली है, क्योंकि भाई इन्हें अभी तक मॉन्स्टर बाइक वाले सब चल रहे हैं। ओ भाई ये देख रहे हो गाइस कैसे हमने ड्रिफ्ट करके अपना भाई एक चेक पॉइंट लिया है। तो चलो गाइस अब मेरे को मिली है बग्गी, अब इनका बनाना है कुत्ता। तो चलो भैंस क्या, अरे भैंस क्या पुलिस को नहीं मारूंगा भाई, पुलिस वाले केस रजिस्टर कर लेंगे तो अपने को जेल में बंद कर देंगे। तो अपन फिर फेस टू फेस खेलेंगे कैसे। चल जा भाई। अरे भैंस लीमो मारूंगा, ये जा साले दूध पी क्या, तू भी दूध पी क्या भैंस क्या, और तू अरे भैंस क्या भाग रहा है, रुक जा इसको तो भाई चेक पॉइंट से पहले गिराऊंगा देखना। तू अबे साइड हो गया भाई, अभी लेकिन डॉज गजब किया, कैसे किया मेरे को समझ नहीं आया लेकिन किया भाई बंदे ने। ओ भाई साहब ये तो निकल जाएगी, ये तो भाई इसमें स्पीड है।
जल्दी तारीफ कर दी भाई इसकी, मैंने लग रहा है गलती कर दी भाई कहा कि एक ही मन निकल जाएगी तेज में, ये भाई मेरे को ठोक के बाहर कर दिया आउट ऑफ स्टेडियम। ओ भाई गोल्फ कार्ट भी मिलने वाली है, गोल्फ कार्ट से तो और मोई में होगा भाई, गोल्फ कार्ट का तो भाई पूछो ही मत, इतना भाई गिरता है, इतना गिरता है भाई क्या ही बताओ। ये भैंस क्या मेरे से पंगा ले रहा है, भजा तू। ओ और कौन पंगा लेगा मेरे से भाई, ये छोटे मोटे भाई डॉन आ जाते बंदे अपने को डॉन कि ये डॉन इनका खौफ आ जाएगा, लेकिन भाई क्या ही बताऊं अपन बिना डॉन बने भी खौफ एकदम ले आते हैं। क्या मिलेगा, ओए ओए अबे मिल गई सबसे बवासीर जो वो होती है ना बाइक वो मिली है भाई। अब देखना कितने बार मौत होती है अपनी, ये मौत का खेल है और इस मौत के खेल में भाई अपनी देखना बहुत बार जान जाएगी, लेकिन भाई हम देखते हैं कि हम सुमड़ी में निकल सकते हैं कि नहीं से। ओके ओके ही निकलते हैं। अबे वैसे इतने स्टार्स क्यों हैं बे ज़मीन पे, लगता है तारे तोड़ के लाना थे भाई, तारे इस पे ज़मीन में किसी ने ला के तोड़ के गिरा दिए। अरे भाई साहब ये गोल्फ कार्ट अपने से पंगा ले रही थी, उसको धक्का दिया भाई वो उसके साथ। ये नल्ला भाई, ये ट्रक वाला देखो, ये भाई क्या ही बताऊँ मैं इसको, मतलब ये भाई ट्रक वाले ऐसे चलाते सही में जैसे कि खंभा चढ़ा के चला रहे हो ऐसे चलाते। ये देखो भाई लीमो वाला भसड़ मचाया हुआ है, मतलब क्यों ही भसड़ भाई, पुलिस वाले को ठोक रहा है। मादरचोद भाई इस गेम में पैसा वैसा नहीं चलता है कि पुलिस को पैसा दे दोगे तो निकल जाओगे यहाँ पे पुलिस सीधे गोली चलाने स्टार्ट कर देती है। ओ भाई साहब हमने पुलिस का नाम लिया, हमें पुलिस कार मिल गई, अब भाई हम अच्छा खासा पैसा लेंगे, देखना भाई जिसको जाना होगा वो हमें पैसा देगा फिर ही जा सकता है। ओ भाई इसकी तू पंगा लेगा, इसको ठोकता हूँ रुक जा। ओ भाई अबे खुद ही ठोक गया भाई, अपना भारी बम्पर का नुकसान हो गया अपन को बम्पर जाके बनवाना है अब तो। निकलते अब कौन आ रहा है सामने से, अरे गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट को जाने। ओ भाई साहब गोल्फ कार्ट को जाने, ये भाई लीमो को ठोकने जा रहा था लीमो कहेगा साला है मेरे से पंगा लेगा, जानता है मैं कौन हूँ। भाई साहब इतनी महंगी लीमो है कि तेरा पूरा इसमें घर चला जाएगा इसमें, ऐसे कह रहा था भाई, तो मैंने उसको छोड़ दिया लीमो वाले को, कहा भाई रहने देते। और अब क्या मिलेगा, ओ भैंस क्या भाई देखो लीमो मिल गई भाई, हमारे पास इतना पैसा है कि हमने एक लीमो ले ली, सोचा कि लीमो ले लेते हैं क्योंकि भाई इसमें भी तो भौकाल दिखानी है अपने को रेसिस में, वरना ये नकली भाई नल्ले छपरी बेरोजगार भाई अब लीमो लेके आ जाते हैं नकली वाली वकील बड़े कोठी बंगले वाले लड़के की, ये अमीर आदमी है। तो भाई साहब ये हमारी असली लीमो है, इसको ले जाते हैं अभी, लेकिन पिचक्के कैसे गई, मैंने ठोका कब था इसको। ये देखो भाई हम पुलिस वाले से पंगे ले लेते हैं, पुलिस वुलिस से ना डरते हम भाई, हम पंगे ले लेते हैं, ठोक ठाक देते हैं, मोई मोई कर देते हैं सबका, अरे इसको भी ठोकूंगा, अरे भैंस क्यों जाओ। वो भाई गिरा ही नहीं, बताओ लीमो इतनी महंगी कहाँ से, ठोकने के बाद एक बार तो गिरना चाहिए भाई, मतलब उसे शर्म भी नहीं आई भाई, वो गिर से तो उसे तो खुद से कूद जाना चाहिए था भाई ओह भाई साहब अबे चल जा, अबे ठोक दिया उसे भाई, उसे वो दूध पीने भेज दिया, कहा जाओ बॉनविटा के साथ पहले दूध पी के आप फिर मेरे से पंगा लियो। अब क्या मिलेगा, और फिर मिल गई, फिर ये बवासीर मिली भाई, ये भाई मैंने इससे इतना स्पीड चलाया जा सकता था, पर एक मॉन्स्टर बाइक को कितना ही स्पीड चलाया जा सकता था। तो चलो भाई इसको निकालते हैं, इसको निकाल, ये नल्ले भाई क्या भाई, मैं चुनौतियों से नहीं परेशान हूँ, मैं इन चूतियों से परेशान हूँ, मतलब इतनी बड़ी रैंप है तुम निकल सकते हो साइड में से, लेकिन नहीं भाई ऐसे कैसे ब्रिटिश भाई को कैसे जाने दे सकते हैं, ब्रिटिश भाई को तो एक बार तो रुलाना पड़ेगा ही तो ये भाई नल्ले ठोक देते हैं। ये देखो भाई इतना बड़ा चूतिया है भाई, इतनी बड़ी जगह थी, ये नहीं साइड से निकल जाए, मतलब आया के ठोक देते हैं इसको। देखो भाई मैं इसको बम से उड़, भाई इसको बम से ना उड़ा दिया ना, देख भाई ये सब मेरे को हल्के में ले रहे हैं और हम हैं भारी सामान भाई, देखो अब इनको भाई इसको साले को बम से ना उड़ा दिया ना मैंने, देख लियो इसके मैं अम्मा बहन पे आ जाऊँगा। अब भाई ये मिल इससे तो भाई सरेंडर कर दो भाई, अगर तुम्हारे पास गोल्फ कार्ट है सरेंडर कर दो भाई गोल्फ कार्ट ना होने वाली भाई एक बार में भाई, जब तक तुम्हारा मोई, अरे वैसे फिनिश है भाई, इसे एक बार निकालना है फिर फिनिश है भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन सा होने वाला है क्योंकि कुछ नल्ले अभी भी उस पर फंसे भाई, हमने 16 से पहले 18 पे आए, फिर 18 से फिर भाई 15 पे आ गए। ओ भैंस क्या मजा आया, ये नल्ला ठोक, ये भाई साहब अभी नल्ले खुद भी नहीं कर रहे, मेरे को भी नहीं करने दे रहे। चल 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 सुमड़ी में निकल जाते हैं, अब चेक पॉइंट ले लेते जल्दी भाई भाई भाई, अरे भाई साहब भाई कुछ तो हैक हुआ और हम भाई सुमड़ी में निकल लिए, चलो चलो भाई अब अपन को यहाँ से निकलना है खट्टी टॉफी, भाई जो खट्टी टॉफी खाता है ना वही सिर्फ निकल सकता है ऐसे, और हम खट्टी टॉफी पहले ही खा लिए थे तो हम निकल गए गाइस, देख रहे हो भाई कितने सुमड़ी में हम सुखे से कर लिए भाई मजा आया। और भाई इसका क्या सीन है, और ये भैंस क्यों, ये भी कर लेगा, ये तो पहुँच गया
ये हो भाई, ये हमारी रेस भाई फिफ्थ आ गए हम, बढ़िया भाई, मजे मजे। और लॉन्डो ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, एंड भाई सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।